फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी गार्डनिंग विद कोमल स्पेशन पर। और आज का टॉपिक है गर्मियों में अपने प्लांट्स की देखभाल कैसे करें। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद मानसून आ जाएगा, मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर तो हमारे गार्डन की निराली ही शोभा हो जाएगी। तो सबसे पहले जो बात आती है कि अगर आप न्यू हैं या आपके काफ़ी गर्मी पड़ी है, तो प्लीज़ प्लांट्स कोई भी न्यू ना लीजिएगा। और जो आपके पास ऑलरेडी प्लांट्स हैं उनकी देखभाल कीजिएगा, उनको ताज़ा पानी दीजिएगा। टंकी का पानी, जो भी ऊपर टंकियाँ बनी होती हैं, दिन भर उनमें गर्म पानी होता है, उनको देने से बचें। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो काफ़ी टाइम बाद उसको दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है कि अगर आपके पास ग्रीन नेट अवेलेबल नहीं है, तो किसी एक ऐसी दीवार के पास अपने सारे पेड़ पौधे इकट्ठे करके रखने की कोशिश करिएगा जहाँ सिर्फ सुबह की धूप आती हो या बहुत कम धूप आती हो। इनसे ये होगा कि प्लांट्स में कम धूप पड़ेगी, वो झुलसेंगे कम। और सबसे मेन बात यह है कि कोई भी प्लांट अगर वो धूप वाला भी हो तो कोशिश करिएगा कि उसको भी छाया में रखिए। इतनी तेज़ धूप में किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो भी प्लांट्स ज़मीन में लगे होते हैं, जो हमेशा साल भर के होते हैं, वो तो ये भीषण गर्मी झेल ले रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि गर्मियों के प्लांट हैं, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि उसको भी दिन भर के लिए धूप में पड़ा छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास स्पेस कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक ऐसी दीवार के पास प्लांट्स रखने की जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेड़ पौधों की धूप रोक सके। और पानी ताज़ा दीजिएगा। और इसके बाद में तीसरा टॉपिक है कि किसी भी प्रकार की खाद ना दीजिएगा। अगर आपको खाद देनी है तो आप लिक्विड खाद दीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा। इस समय जो भी खादें केमिकल वाली होती हैं, DAP NPK वगैरह देने से बचिएगा, गोबर खाद देने से बचिएगा। दो तीन बार बारिश हो जाए इसके बाद आप ज़्यादातर खाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में किसी भी प्रकार के DAP NPK एप्सम साल्ट वगैरह आप देने से बचें, क्योंकि काफ़ी गर्म होते हैं और धूप ऑलरेडी इतनी तेज़ी हो रखी है। अगर आप ये देंगे और भले ही आपके प्लांट्स छाया में रखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके प्लांट्स को झुलसा दें। इसके बाद में टाइम टू टाइम पानी दीजिएगा, शाम को शॉवरिंग कीजिएगा और मॉर्निंग के टाइम पर अपने प्लांट्स पे शॉवरिंग ना कीजिएगा, क्योंकि पानी प्लांट्स पे रुक जाता है और धूप से वो बर्न होने लगते हैं। इसके बाद में बताएंगे कि आपको प्लांट्स में मल्चिंग जरूर करनी है। मल्चिंग आपको ऑर्गेनिक करनी है। आपके पास मूँगफली के छिलके हैं और जो धान की भूस होती है उसको आप डाल सकते हैं, सूखा भूसा आप डाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें डालने के बाद जल्दी गल जाती हैं, वो चीज़ें आपको डालनी है। किसी भी प्रकार के कपड़ा, पॉलीथीन वगैरह बिल्कुल भी ना अपने प्लांट्स में मल्चिंग के तौर पे डालिएगा। इसके बाद में सबसे मेन बात होगी कि आप अपने अडेनियम और कैक्टस सेक्लोंट वगैरह पे मल्चिंग ना कीजिएगा। पानी टहने की वजह से कैक्टस अडेनियम और आपके सकुलेंट खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक, इसके साथ में आप इंजॉय करिए इन फिशेस को जो है बेहद खूबसूरत। और मैं इनको कैप्चर करने से ना रोक पाई, क्योंकि प्लांट्स प्रकृति के बाद में मुझको इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है, पेड़ पौधे पशु से मुझको बहुत प्यार है। तो फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ में। बाय बाय।